हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वह बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें कि जो उनका 20 से 25 दिन में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें वह एक अच्छी तैयारी कर पाए और उस अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा अंक ला पाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पूरा सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 20 से 25 दिन में तैयारी करनी है, कैसे चीजों को पढ़ना है कि जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2021 का, इसमें आप जो है कि बहुत ही अच्छा अंक ला पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे स्टूडेंट में से हैं जिन्होंने अभी तक जो है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आप कैसे जो है कि 20 से 25 दिन की पढ़ाई करेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा अंक ला पाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रेशर नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे जो है कि बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें, मात्र 20 दिन बचे हैं, मात्र 15 दिन बचे हैं, मात्र 10 दिन बचे हैं। तो इसमें आपको प्रेशर नहीं लेना है, आपको सिलेबस का प्रेशर नहीं लेना है। उसके बाद आपको कैसे पढ़ाई करनी है, चलिए बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो है कि बुक उठानी है, जो भी बुक आप में चलती है, सबसे पहले आपको अपनी बुक उठानी है और उसमें से आपको क्या करना है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर को ढूंढना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बुक उठा करके सभी चैप्टर को नहीं पढ़ना है, आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर को ढूंढना है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमको पता कैसे चलेगा कि इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना है। शायद अभी तक जो है कि आप लोग मार्केट से खरीद भी लिए होंगे, तो आपको क्वेश्चन बैंक को उठाना है। जब आप क्वेश्चन बैंक को ओपन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कौन कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है। तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है और वह किस चैप्टर का है। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन बैंक से पता लगा लेना है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं और उस इम्पोर्टेंट चैप्टर को आपको सबसे पहले ट्रैक कर लेना है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपकी किसी बुक में 15 चैप्टर थे, उसमें से आपको 10 चैप्टर ऐसे मिल गए जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप क्या करिए कि यह 10 चैप्टर को आप टिक कर लीजिए और उसके बाद आप क्या करिए कि इसी 10 चैप्टर की आप पढ़ाई स्टार्ट करिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको इसी 10 चैप्टर की पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपके पास मुश्किल से 20 से 25 दिन बचा हुआ है और इसी में आपको सभी बुक की तैयारी करनी है, सब कुछ पढ़ना है। तो आप क्या करिए कि यह जो 10 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट मिले, सबसे पहले इसको आप तैयार कर लीजिए और इस 10 चैप्टर जो आपके इंपॉर्टेंट मिले हैं, इसमें से भी आप यह ढूंढ लीजिए कि इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला तैयार कर लेना है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ लीजिए। बस फ्रेंड्स, आपको इतना ही पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप पूरे किताब को पढ़ेंगे तब आप पूरी किताब पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपके पास काफी कम समय है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसको आप पढ़िए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या ध्यान देना है, वह ध्यान देना है टाइम का। जी हाँ दोस्तों, आपको टाइम ज्यादा देना है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी आपके पास जो है कि मात्र 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है, तो इसमें आपको डेली 12 से 15 घंटे पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, आप मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यह सब आप अभी त्याग दीजिए, आप जो है कि मात्र अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। डेली जो है कि 12 से 15 घंटे की आप पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके जो 10 और 12 के नंबर हैं यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आगे की पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। तो यह जो है कि 10 और 12 के नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप जो है कि आप एक डेढ़ महीना यह सब चीज छोड़ दीजिए जब तक आपका बोर्ड एग्जाम है,
फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, आपको डेली रिवीजन करना है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत बच्चे यही गलती करते हैं कि वह चीजों को तो याद करते चले जाते हैं, लेकिन जो चीज याद करते हैं उसका रिवीजन नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि वह जब आगे बढ़ते जाते हैं तैयार करते करते तो पीछे की चीजें उनको भूलती जाती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो भी चैप्टर आज आप तैयार किए, जब कल दूसरा चैप्टर पढ़ने जाए तो सबसे पहले आप पहले चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद जो है कि दूसरा चैप्टर पढ़िए, जिससे क्या होगा कि पीछे का चैप्टर भी आप नहीं भूलेंगे और आगे का चैप्टर भी आपको तैयार होते चला जाएगा। तो इसलिए आपको रिवीजन डेली करना है, आपको सभी चीजों का जितने भी आप पार्ट पढ़े सबका रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स यह सब चीजें आपको फॉलो करनी है, मात्र 20 से 25 दिन में आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप जरूर इन सभी चीजों को फॉलो करिएगा, और अगर आप यह टेक्निक अपना लेते हैं जो कि हमने बताया, तब आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा अंक पा सकते हैं। 80% आपके कहीं नहीं गए हैं, आप जो है कि 80% ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।